व्यूअर्स, तो ईद का त्यौहार है और फिर खान्स यानी कि पठान्स और फिर सलमान खान की ईद पर जिस तरीके से फैंस, जिस तरीके से मन्नत के बाहर फैन और गैलेक्सी हाउस यानी कि सलमान खान के घर के बाहर फैंस का झुंझट्टा लगा हुआ था, जिस तरीके से फैंस खड़े थे सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की एक झलक देखने के लिए और उनको ईद मुबारक कहने के लिए, उसी तरीके से मन्नत के घर में, मन्नत के बाहर यानी शाहरुख खान के घर के बाहर जिस तरीके से फैंस खड़े थे उनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए, यानी कि हमारे पठान शाहरुख खान की, और फिर उनको ईद मुबारक कहने के लिए। फैंस का कहना है कि पठानों का ये असर है और फिर खानों का ये असर है कि फैंस लाखों करोड़ों की तादाद में इनके घर के बाहर सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए और फिर इनको ईद मुबारक कहने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो बात की जाए सलमान खान की, तो सलमान खान बाहर आए और फिर तमाम फैंस को हैंड वेव किए, ईद मुबारक कहा और यहीं पर ईद का आगाज हो गया, क्योंकि ये एक मुस्लिम ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर इस दिन बहुत सारी खुशियां समेटी जाती, बहुत सारे खुश रहा जाता है। अभी यहीं पर सलमान खान हो जो कि हमारे खान है, इनके बाहर बहुत बड़ी तादाद फैंस की मौजूद थी। जबकि बात की जाए दूसरे नंबर पर मन्नत की, तो मन्नत यानी कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी एक बहुत बड़ी तादाद में फैंस को देखा गया, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते सिर्फ और सिर्फ मन्नत में शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। जबकि बात की जाए शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मन्नत पे आए ग्रिल पर और फिर जिस तरीके से उन्होंने ऊपर उछल कर फैंस को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और ईद मुबारक, फैंस की ईद यहीं से शुरू हो गई। उसके बाद बात की जाए तो ईद की बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिसमें आयुष और अर्पिता की ग्रैंड ईद बैश पर भी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा गया और फैंस सुपर डुपर एक्साइटेड भी थे और सुपर डुपर हैप्पी भी थे कि हमें इतने सारे ईद पर बहुत सारे फुल ऑफ स्टार्स, फुल ऑफ सेलिब्रिटीज को देखा गया जो कि हमारे लिए आई ट्रीट है। और आपको ये तमाम चीजें देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।